क्या नाम से चलता है सर? क्या नाम मर्जी है सर? बोलो जैसे स्लो स्लो का ट्रेंड तो बचता है ना यार, अलग ही फीलिंग है यार, बस मतलब इतना स्मूथ, इतना एजेंसी में यहाँ से हवाई जहाज टेक ऑफ कर सकते हैं। संस्कार दिखा रहे तुम अपना। वाह सनम बेवफा। हाँ यार, बल्लाल देव का रथ। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कुछ शुरू करने के लिए आपका बड़ा होना जरूरी नहीं, वो बड़ा अपने आप बन जाता है, आप शुरुआत तो कीजिए। इसी इंस्पिरेशन को लेकर मेरे मन में आसाम से देहरादून राइड करने का मन किया। वैसे तो मैं करता ही रहता हूँ, पर इस बार फ्लाइट से नहीं बल्कि बाइक से जाना था। 2400 किलोमीटर लगभग। रोड के एक साइड में खड़े एक भाई को लगा कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। ही वाज सो जनरस, उसका राइडर्स के लिए प्यार एक अलग नजर आ रहा था। वैसे मैंने अपनी पूरी एडिटिंग स्किल लगाकर भाई की इज्जत बचानी चाहिए। सॉरी ब्रो, आई ट्राइड सो हार्ड टू कवर ऑल ऑफ दिस। इसके आगे का जो लगभग 800 किलोमीटर जो रिकॉर्ड हुआ, पर सारी फाइल करप्ट हो, पता नहीं कैसे। यहाँ नौगांव असम में पड़ता है, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से लेके पूर्णिया, मतलब बिहार तक मैं सारा जितना भी डाटा रिकॉर्ड किया था सब लॉस्ट हो गया। हालांकि एसडी कार्ड इंस्टा में मैंने वारंटी क्लेम किया तो वो रिप्लेस हो गया। ऑन सेकेंड डे आई वॉज इन कोसी विहार। यहाँ पर जब मैं टैंक फिल करा रहा था तब ये भाई साहब से थोड़ी बातचीत हो रही थी। ये बस हम लाइक लाइक ब्रो अविनाश यादव। अविनाश यादव कहाँ से? वैशाली से। वैशाली से पूरा ना पास ही हाजीपुर। हाजीपुर है ना, पटना से पहले हाजीपुर है, मतलब पटना से पहले हाजी मुजफ्फरपुर है ना। 100-150 किलोमीटर तो होगा ना। हाँ 250 किलोमीटर पटना है ना, तो वो होगा 200 किलोमीटर। हाँ वीडियो में आने वाले। चॉकलेट खाओगे? अरे बहुत सारी पड़ी। सर बैठ लीजिए कुछ देर। पानी भरना तो सब चीज का पानी है, सर सबको खिला दो। पास नहीं हूँ, यूपी का सहारनपुर जिला जानते हो? यूपी गए गाजियाबाद। आगे गाजियाबाद गए नहीं, उसके आगे भी सहारनपुर है। हालांकि हम लोग का सिस्टम कैसा वहीं पर ही आता है। टोटल अनप्लग। नहीं आएगा किसी वीडियो पर मैसेज करते हैं लोग, हम नहीं आए। ठीक है इलाके सर हम लोग। अविनाश कुमार शहर लखनऊ। 7 बज रहे हैं और ट्रैफिक यार, ये ट्रैफिक 2-3 मिनट की रेड लाइट लगी है। आप वेट करते रहो, इतना थोड़ा ट्रैफिक घूम करते हैं फिर रेड लाइट आ जाती है। चलो एटलीस्ट मैं यहाँ पर बोर तो नहीं हो रहा। ट्रैफिक गार्ड में बस आपको ये एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ कट मार कर या फिर रश करके या फिर तेज चला कर राइट ना करें, तो
लेना चाहता लेकिन प्लीज नोट नहीं छपती। पुलिस अभी तक की राइड में किसी पुलिस वाले ने तो नहीं रोका, मतलब काफी फोन किया उनसे। भाई ये नज़ारा सिर्फ यूपी बिहार में देखने को मिल सकता हूँ। मैं भाई मिली कोई बेवफा की तलाश, भाई पुल टक्कर दे रहा है, बेवफा की तलाश में पुल टक्कर दे रहे आ रहा भाई। इंडिया में है ना, लखनऊ ऐसा शहर है जिसमें मतलब 9000 से ज़्यादा सीसीटीवी 2015 में लगा चुके थे और ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने जारी की। ये कैमरे इसलिए लगाए गए ताकि उनका रोड ट्रैफिक और स्ट्रीट क्राइम ना हो सके। देख लियो 2015 में 9000 से ज़्यादा कैमरे लखनऊ में लगा दिए जा चुके हैं। एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ क्योंकि आगरा मथुरा एक्सप्रेस वे पर राइड करना सभी राइडर्स का ड्रीम होता है। एक्साइटेड, अलग ही जोश भाई, अलग ही जोश। मतलब स्टार्ट हूँ बस, अलग ही जोश है। Can't believe guys, I'm finally doing this. I have to just stay calm and do not overspeed. इतना स्मूथ है ना, मतलब I can really feel it। मन करता है कि भाई खींच दे फुल एक बार तो जो होगा देखा जाएगा, पर you have to stay calm. Please, ऐसी गलती मत करना जिस आपने पहले भी कह चुका हूँ कि नुकसान की भाई आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को ठीक है। प्लीज़ इसी बात का ध्यान रखते, प्लीज राइड सेफ एंड काम। समझ नहीं पाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम मतलब मक्खन से चल रही बाइक, मक्खन से। मन करता है कि खाले एक बार तो। अरे सो क्या ये क्या रोक रहा है, क्या ओके ओके देख के गाना याद आ रहा है एक दिल में। चलो भाई ने फोटोशूट फ्री में करा लिया है, कोई नहीं। उसके बाद ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज मैंने सिलेक्टेड वीडियो ही शूट की। प्रॉब्लम ये हुई कि राइड के टाइम पर आपको पता नहीं चलता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए। कैमरा होने तो रिकॉर्ड हो जाएगा पर नहीं होना तो गया। और गाइस वैसे ये लाइन सिर्फ वीडियो शूट के लिए नहीं थी, अब सोलो राइड में अकेले हो तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसी कोई गलती मत करना। तो गाइज मैं फ़िलहाल बांगमरू इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर राइड कर रहा हूँ, जो इस तरह की एयर स्ट्रिप भारत में लगभग 11 बनाई जा चुकी हैं, बनी हुई हैं लगभग। इट्स नॉट अ करेक्ट डेटा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गूगल इट। यूपी ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर दो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप स्पेशली बनाई गई हैं। मतलब ये सिर्फ वार टाइम में ही काम नहीं आती, बल्कि जैसे नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं ना, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ हो गई, साइक्लोन हो गया, तो उसमें एयर कनेक्टिविटी को मेन उसमें प्रायोरिटी मिलती है। तो इसी वजह से ये इस तरह की इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है जो
ऐसे काम ऐसे टाइम में बहुत यूजफुल होती है। गुड मॉर्निंग भैया। कहाँ से आ रहे भाई? असम। असम से? माय गॉड, कहाँ तक जाना है? बिहार। देहरादून। हाँ देहरादून। बिहार का नंबर नहीं है, बिहार का बिहार होता है ये बी एच है। पूरा भारत का ऑल इंडिया है परमिट। कितना स्पीड में आए भाई जान? अभी जाइए भैया। कहाँ? देहरादून। देहरादून देहरादून अकेले निकले हैं? बुलाओ घर बनाते हैं। फर्स्ट स्टार्ट किया यार, अभी खरीदी ना बाइक। पहले चैनल था, हेलमेट भी नहीं लगा है। नहीं लगाया कैसे भाई? कैमरा है मेरे काम करना बंद कर गया, मुझे रुकना पड़ेगा नहीं तो मैं रात ही ये काम करने के लिए। कितनी स्पीड आए हाईएस्ट? मैं नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ सीधा 150 राउंड एस वाले को मजा आता है। ये पूरा फिनिशिंग है, पूरा मजा आता है। मतलब तो ज्यादा स्पीड नहीं जाती यार, एक सेट करनी पड़ती है। मतलब ठीक है, 120-130 चला लो तो चलोगे, ज्यादा चलाओगे ना तो थक जाओगे, बहुत ज्यादा जाना। 120 के ऊपर 20 का देती है। 120 के ऊपर देती है। लोग बनाते हैं क्या? चैनल का नाम भैया होटल कंट्रोल। सर सीधे तो सर मारो यार। मैं सर आपका 40 सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, मेरे पास 40 है मेरे पास। मैं उधर ही साइड छुटा हुआ है मेरा, उधर साइड चल जाएंगे पूरा हो जाएगा। असम में साइड नहीं गए? हाँ बिराट जाते हो। असम साइड नहीं गए हैं? उधर घूमने नहीं गए। तुम जाओ असम से आ जाओ अरुणाचल। बहुत दैट टॉप मिल्क दैट क्रीम प्योर वनीला स्वीटनर। अभी आया जस्ट राइड से, दो तीन दिन पहले ही आ रहा है। कितना पड़ा है सीसीटी का ये? ये बाइक के साथ पड़ा है 55,000। पूरा सब ये गैजेट पूरा सही ना? गैजेट पूरा सब चाहिए, सब सेट वोट सब पूरा सही ना? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ हाँ, और थोड़ा सा और सामान है, मतलब हेलमेट वगैरह का। वो ब्लूटूथ सिस्टम है, बाइक ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। कल की राइड के में तो ऐसे हो गई थी जैसे किसी बल्लाल देव का रथ नहीं था, उनसे काटते जा रहा था। बुरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। गाड़ी फ्रंट से देखने में ऐसे लग रही जैसे कहीं वॉर से आई हो। खुद को लग रहा था यार क्या बना दे भाई। आजा भाई फोटो खींच, फोटो खींचा लो भाई, आजा टैग कर देना। आएंगे ब्रो तब उधर एक बार चेक करेंगे असम मिलके, असम साइड आके बता देना एक बार। अभी इसको 10-12 दिन बाद लेके वापस जा रहा हूँ, फिर दोबारा राइड पे मतलब वहीं पे असम मतलब रिटर्न राइड। थोड़ा सुरक्षा गिरा देंगे। हम चलते हैं
वरना दिल्ली पहुँचने में लेट टाइम होगा। आदमी एक बार ले लीजिए वीडियो में 360 आ रहा है, मेरा भी आना चाहिए, 100 आ रहा है। नाम बोल दो चाहे सबके अपने अपने। नाम बर्जेस है, समझो। बोलो जिसे नाम बर्जेस। चैनल का नाम थ्रोटल अनप्लग, सबका आएगा। क्या नाम है? थ्रोटल अनप्लग्ड। ओके ठीक है भाई, चलो बाय बुर्जीत। बाय 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 करना है अभी नहीं बुर्जीत। बाय बाय बुर्जीत। ई संस्कार दिखा रहे तुम अपना। रे चोचका, अब तुम बस में नहीं बोलता, नहीं तुम कहे बोला। कितने उसकी वारंटी है? वारंटी तो ऐसे देते नहीं है, आ जाना कोई दिक्कत नहीं, कार बना के दे दे तो वारंटी से आते। कोई प्रॉब्लम होगी तो आ जाना, कोई वारंटी नहीं देता, मतलब कोई इधर वो कोई नहीं। PPF है ना, करा लेनी चाहिए क्योंकि है ना, मतलब बहुत यूजफुल होती है कि बाहर से बचा लेती है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब डायरेक्ट जो भी इस पे वो होगा उससे बचा लेगी, जैसे फिजिकल डैमेज हो गया, सब बोलते हैं ना कि कोई पत्थर लग जाए स्क्रैच डाल दे तो उससे तो बचा ही लेगी। और साथ साथ मतलब इसकी है ना, जब बेचोगे आप किसी मतलब बाइक वगैरह या कार वगैरह जब बेचते हो तो उसकी एक रीसेल वैल्यू बनी रहती है। दूसरा, फिर करीब 7:30 बजे इन्होंने काम फिनिश किया और अब मेरा मेन टास्क है दिल्ली के शाम के ट्रैफिक को बीट करना। सीरियसली यार, ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। और अभी पता क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कैमरे की लो बैटरी हो चुकी है, ठीक है, और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। और पहले ही बताया था कि मेरा मतलब ये चार्जिंग होल्डर जो होता है बाइक में वो ख़राब हो चुका है। फाइनली गाइस, रुड़की बाईपास, इट्स अ रुड़की बाईपास। हाँ, ओह माय गॉड, सीरियसली यार, मतलब चलाए जा रहे हो। उसके बाद जब दिखता है ना घर से 50 किलोमीटर रह गया है, वाह, अलग ही जोश, अलग ही एम्फेसिस में। केवल 50 किलोमीटर गाइस, केवल 50 किलोमीटर, आ गया बस घर अब तो, वाह। जब आप है ना अपनी किसी मतलब गोल को अचीव करने के जस्ट बिल्कुल लास्ट उसमें खड़े हो, स्टेप में खड़े हो, तो आपके उसमें है ना एक इमोशंस का एक है ना साइक्लोन टाइप हो जाता है। वैसे मेरे को अभी फील हो रहा है, जैसे मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है, नर्वसनेस भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है, जल्दी से जल्दी घर पहुंचने का मन कर रहा है। मतलब अजीब अजीब फीलिंग है, मतलब वो कहते हैं ना कि बटरफ्लाईज इन स्टमक, वही फील कर पा रहा हूँ इस टाइम। गाइस, सपना पूरा होने वाला है आज, अपनी RC पहली बार गांव की रोड पर चल रही है अपनी, 12 बजने वाले हैं, अलग ही जोश है मतलब। और एक और बात बताऊं, मैंने है ना यार घर में नहीं बताया था, मतलब मम्मी को नहीं बताया था क्योंकि मम्मी मना कर दी थी कि मत आ बाइक से, पापा भी मना कर रहे थे वैसे तो, मतलब एक्सेप्ट बताया था तो मैंने सिर्फ छोटी बहन को बताया था जो मेरी परफेक्ट क्राइम पार्टनर है, हर चीज़ में मेरा साथ देती है सीरियसली, और मेरा दोस्त, मेरी जान ऋतिक, काना और आसाम के राइडिंग ग्रुप को पता था कि मैं जा रहा हूँ, और आसाम के कुछ दोस्त, आई डोंट नो मतलब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी घुसने नहीं देगी मेरे को घर में, गेट नहीं खोलने वाली मम्मी आज, भी ऐसा क्यों लग रहा है। बाय द वे, आई एम स्टिल सरप्राइज कि मम्मी ने कुछ नहीं बोला।
मतलब अभी पीटना तो मैं शुरू कर दिया मम्मी मेरे को। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ, प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट बॉक्स ओपन है। सो गाइस दिस इज थ्रॉटल अनप्लग साइनिंग ऑफ, मीट यू इन नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट वीडियो यहीं इसी चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर।